हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट के बारे में। तो हमें पता है हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। थ्रू आउट द बॉडी ब्लड जो पंप होता है वो हार्ट के वजह से होता है। मतलब पूरा अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो उसमें हार्ट ही वो इकलौता ऑर्गन होता है जिसके कारण पूरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे, अगर हार्ट में पंपिंग ही ना हो, ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट ही ना हो, तो क्या क्या हमें नुकसान झेलने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, हमारी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी हर टिश्यू हर ऑर्गन की, वो कंप्लीट नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि हार्ट हम देख रहे हैं कोई ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है, पंप ही नहीं हो रहा है ब्लड। तो पूरे बॉडी को कोई ब्लड नहीं मिलेगा, कोई यहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं होने वाली। दूसरी चीज, हम यहां पे जो फेस करेंगे वो फेस करेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की। हमारे बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स ये सारी चीजें सेल को मिलती है और सेल अपनी एनर्जी बनाता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट को सिंथेसिस करता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर ब्लड ही पंप नहीं होगा तो हर टिश्यू हर ऑर्गन को यहां पे किसी तरीके का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे उसका फुलफिल नहीं होने वाला है। किसी तरीके का एक्सक्रीशनल यहाँ पे हम देखते हैं, एक्सक्रीशनल जो इनका रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल नहीं होने वाला है। तो जो भी एक्सक्रीशन करना है, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना है ब्लड में, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं इसी वजह से किसी इंसान का अगर हार्ट स्टॉप हो जाता है तो उसकी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रुक जाती है एक ही टाइम पे और वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे बॉडी में जो कि कंटिन्यूअसली पंप होते रहता है, जिसके कारण ब्लड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द बॉडी पंप होते रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, ठीक है। तो इसी वजह से हार्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ही एकलौता ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो हम बोलेंगे हार्ट इज द मेन पंपिंग और पंपिंग ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ही वो एकलौता ऑर्गन है जो कि मेन पंपिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है और जिसके वजह से पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की ये पंपिंग एबिलिटी कैसे आती है, कैसे मिलती है हार्ट को पंपिंग एबिलिटी, क्योंकि देखो कोई भी मसल जो है वो थोड़ी टाइम के लिए पंप करेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद वो एक टाइम पे तो थकेगा, रिलैक्स होगा। बट हार्ट के जो मसल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड मसल होते हैं और वो जब से हमारा दिल बनता है, धड़कना स्टार्ट होता है, उस टाइम से लेके हमारी डेथ होने तक वो जो है वो कंटिन्यूअसली बीट होते रहता है, हार्ट पंप होते रहता है। तो उसका उसके लिए जो मसल्स चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हार्ट की ये जो पंपिंग एक्टिविटी है ये इनके मसल्स के कारण होती है जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो हार्ट पंप्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल और ये मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाएंगे। पूरे बॉडी में कार्डियक मसल और कहीं पे नहीं होते, सिर्फ हार्ट में होते हैं, इसीलिए इनको हार्ट मसल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था, जब हमने हार्ट वॉल के बारे में पढ़ा था, हमने हार्ट वॉल में देखा हार्ट वॉल तीन लेयर से बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम ये मस्कुलर लेयर है हमने बोला था जो कि कार्डियक मसल से बनी है और कार्डियक मसल का फंक्शन क्या होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। और इन्हीं कार्डियक मसल्स के मदद से हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली रिपीटेटिवली कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, रिलैक्स होते रहता है और थ्रू आउट द लाइफ ब्लड को बॉडी में पंप करते रहता है। तो हार्ट पंप्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल और ये कार्डियक मसल मायोकार्डियम लेयर में होते हैं और यही मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, बाकी कोई भी बॉडी पार्ट में ये पाए नहीं जाते, दैट्स वाई इनको हार्ट मसल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, दिट इज कॉल्ड एज सिस्टोल। हार्ट मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब उस कंडीशन को बोलेंगे सिस्टोल और जब हार्ट मसल रिलैक्स होंगे तब उस कंडीशन को बोलेंगे डायस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड एज डायस्टोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल मेक्स वन कंप्लीट हार्ट बीट। मतलब एक बार एक कंप्लीट सिस्टोल हो रहा है, मतलब एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर एक कंप्लीट डायस्टोल यानी कंप्लीट रिलैक्सेशन हो रहा है और ये दोनों जब कंप्लीट हो जाते हैं, वन कंप्लीट सिस्टोल वन कंप्लीट डायस्टोल, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट में दोनों चीजें होना जरूरी है, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एक कंप्लीट रिलैक्सेशन मिला के बनता है एक हार्ट बीट, एक बार दिल धड़कता है, वैसे ही हम बोलेंगे एक कंप्लीट सिस्टोल एंड वन कंप्लीट डायस्टोल इज फॉर्म्स वन कंप्लीट हार्ट बीट, ठीक है। तो वन कंप्लीट सिस्टोल वन कंप्लीट डायस्टोल मेक्स वन कंप्लीट हार्ट बीट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। एक नॉर्मल जनरल अडल्ट ह्यूमन बींग का हार्ट जो होता है वो हम देखते हैं 70 से 72 टाइम्स यानी 70 to 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट,
ठीक है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग अपना जनरली हार्ट को बीट करता है 70 to 72 टाइम्स, और इस चीज को बोला जाता है हार्ट रेट। हार्ट रेट, तो व्हाट इज हार्ट रेट? दैट इज द हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट में हार्ट जो है वो 70 से 72 बार जो बीट होता है एक नॉर्मल यंग अडल्ट इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं दैट इज हार्ट रेट। अब हार्ट एक मिनट में 70 से 72 बार बीट हो रहा है, तो एक हार्ट बीट कितने सेकंड का हो रहा है? एक मिनट यानी 60 सेकंड में 72 हार्ट बीट हो रही है 72, तो एक हार्ट बीट कितने सेकंड की हो रही है? एक हार्ट बीट हो रही है अराउंड 0.8 सेकंड की, ठीक है। 0.8 सेकंड का एक हार्ट बीट होता है मतलब एक सेकंड से भी कम, ठीक है। इतना 0.8 सेकंड का एक हार्ट बीट होता है तब जाके 72 हार्ट बीट होती है पर मिनट। आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हो 0.8 into यहाँ पे हम लिखेंगे एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड की, तो 72 हार्ट बीट जो है वो 0.8 सेकंड की, तो यहाँ पे हम देखते हैं 60 आंसर आता है 60 सेकंड, ठीक है। तो 60 सेकंड में हम देखते हैं दैट इज अराउंड 72 हार्ट बीट होती है जो 0.8 सेकंड की होती है, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम 72/60=0.8, ठीक है। तो 0.8 सेकंड की एक हार्ट बीट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अब एक बार हार्ट बीट होगा यानी हार्ट पंप होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें हार्ट कुछ ना कुछ ब्लड रिलीज करेगा, पंप करेगा थ्रू आउट द बॉडी। तो एक हार्ट बीट में हार्ट जितना ब्लड पंप करेगा उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को बोला जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट हार्ट पंप्स अबाउट 70 ml ब्लड। एक हार्ट बीट में हार्ट 70 ml ब्लड जो है वो बॉडी में पंप करता है, थ्रू आउट द बॉडी पंप करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड इट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसके नाम से कैसे याद रखेंगे? स्ट्रोक का मतलब एक झटका, एक स्ट्रोक मिल रहा है। एक बार हार्ट में स्ट्रोक आ रहा है, पंपिंग हो रही है, और एक स्ट्रोक में हार्ट 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है बॉडी में, तो इसी को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। इन अ सिंगल स्ट्रोक, इन अ सिंगल हार्ट बीट, हार्ट इज पंपिंग 70 ml ब्लड, एंड हेंस इट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट। अब एक हार्ट बीट में, एक पंप में, एक स्ट्रोक में हार्ट जो है वो 70 ml ब्लड पंप कर रहा है, तो यहां पे 72 हार्ट बीट हो रही है एक मिनट में। कितनी? 72। तो हर हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पंप होगा, तो 72 हार्ट बीट में अराउंड 5040 ml ब्लड पंप होगा, ठीक है। और ये 5040 ml ब्लड एक मिनट में पंप हो रहा है, क्योंकि एक मिनट में 72 हार्ट बीट हो रही है और हर हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पंप हो रहा है। तो ऐसे में एक टोटल मिनट में हम देखेंगे 5040 ml ऑफ ब्लड पंप होता है बाय हार्ट, ठीक है, और इसी को बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। इसको कैसे पता करेंगे हम? 70 ml ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट 72 टाइम्स। एक बार 70 ml, तो ऐसे 72 बार अगर इसको 70 70 70 70 ऐड किया 72 बार, तो इसको कितना हो जाएगा ये 5040 ml। और 72 हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट एक मिनट में हो रही है, इसका मतलब पूरे एक मिनट में टोटल कितना ब्लड हार्ट पंप करेगा? 5040 ml पर मिनट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 5040 ml होता है, और उसका डेफिनेशन क्या है? हार्ट पंप्स अबाउट 72 टाइम्स, ठीक है, हार्ट कितने बार पंप होता है? 72 टाइम्स 70 ml ब्लड, तो 72 टाइम्स या 70 ml ब्लड पंप करता है 70 70 70 ml, सो दैट इज अराउंड 5040 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। 5040 ml मतलब 5 liters, अप्रॉक्सीमेटली 5 liters ऑफ ब्लड हार्ट पंप करता है एक मिनट में, ठीक है। एक मिनट में हमारा हार्ट 5 liter ब्लड को पंप कर सकता है, ठीक है, और ये ब्लड बॉडी के बॉडी में ही घूमते रहता है ना, पूरे बॉडी में जाता है, वापस हार्ट में आता है, फिर बॉडी में जाता है, फिर वापस हार्ट में आता है, फिर बॉडी में जाता है, फिर वापस हार्ट में आता है। तो ऐसे एक मिनट में ब्लड जो है, बॉडी जो है, हार्ट जो है, हार्ट 5040 ml ब्लड को पंप करता है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट में। हार्ट मेन पंपिंग ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, यही ब्लड को क्या करता है? पूरे बॉडी में पंप करता है, सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। इसके बिना, हार्ट के बिना बॉडी में कोई ब्लड पंप नहीं हो सकता, सर्कुलेट नहीं हो सकता, लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट, हार्ट पंप्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। तो हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी होती है ये होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द कार्डियक मसल, इन्हीं को हार्ट मसल भी बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, इनको बोला जाता है सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड एज डायस्टोल। जब एक कंप्लीट सिस्टोल, एक कंप्लीट डायस्टोल होता है तो उसको बोला जाता है हार्ट बीट, एक कंप्लीट हार्ट बीट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट जो है 70 से 72 टाइम बीट होता है पर मिनट, एक मिनट में ये 70 72 यानी 72 टाइम्स बीट होता है। इसका मतलब एक हार्ट बीट जो है वो 0.8 सेकंड की होती है, और इसी वजह से हम बोलते हैं एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट हो रहा है तो इसको हार्ट रेट बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इन अ सिंगल हार्ट बीट द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml। एक हार्ट बीट में हार्ट जितना ml ब्लड पंप करेगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, जो कि होगा अराउंड 70 ml। नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं तो कार्डियक आउटपुट क्या बोलते हैं हम, हार्ट पंप 72 टाइम्स 70 ml ब्लड अराउंड 5040 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। तो 72 टाइम्स हार्ट 70 ml ब्लड पंप करेगा, अराउंड 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पंप करेगा एक पूरे मिनट में, उसी को बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत, डाउट, क्वेरीज, डिफिकल्टी कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, बिंदास क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए होंगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और साथ ही में हमारे वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो ही हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होगा और हम नए नए वीडियोज लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।